जी, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में मैं कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने लिए हैं अमेज़न से। सो हियर आई हैव, और ऐसे बहुत सारे कर्टेन्स आए थे जो कि मैंने थ्रो कर दिए इन सबको निकाल निकाल के। सो ये सारी ही चीज़ें अंडर 300 रुपीज़ है। लाइक एक प्रोडक्ट के लिए मैंने 300 रुपये या उससे कम खर्च किए हैं। सो काफ़ी सारा सामान है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और ये सारी चीज़ें मैं अपने डेली पर्पस पे भी यूज़ करती हूँ। मतलब इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं रोज़ यूज़ करती हूँ, और काफ़ी टाइम से मैं ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ सोच रही थी, तो फाइनली अब मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर पा रही हूँ। इसमें से कुछ चीज़ें जो है वो तो मैं यूज़ करती हूँ, बट कुछ चीज़ें जो है वो मैं अभी नया मैंने मंगाया है और अभी कुछ ही समय हुआ है, तो उसके भी रिव्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो यूज़ करते हुए मुझे कैसा लगा। ओके, सो इस छोटी सी टोकरी में मैंने सारा सामान अपना रख लिया है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉइस्चराइजर से। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये मुझे पर्सनली पसंद है गाइस, और मैं यूज़ करती हूँ। इनफैक्ट ये वाला जो मॉइस्चराइजर है ये मेरी मम्मा बहुत ज़्यादा यूज़ करती हैं। दिस इज़ बायोटिक बायो मॉर्निंग नेक्टर और विजिबली फ्लॉलेस स्किन मॉइस्चराइजर। मतलब इसको लगाने से आपकी जो स्किन है वो बहुत फ्लॉलेस हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, बट एज अ मॉइस्चराइजर आप इसको यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस के लिए। बहुत ही अच्छा है, सर्दी गर्मी आप कभी भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थिंग जो है वो हमेशा से और काफ़ी सारे लोग यूज़ करते भी होंगे अपने डेली लाइफ में, तो ये है पॉन्ड्स बीबी क्रीम, जो कि इसका जो छोटा वाला पैक होता है वो 200 रुपीज़ में आपको आराम से मिल जाएगा। तो छोटा वाला पैक मुझे मिला नहीं, वो है मेरे पास बट मुझे अभी मिला नहीं। एंड ये जो है ये आपको 199 रुपीज़ में मिल जाएगा, तो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। ये अगर आप रोज़ ऑफिस कॉलेज जाते हैं तो फाउंडेशन की जगह पर आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बीबी क्रीम पर स्विच कर जाएँ, वरना फाउंडेशन से आपकी जो स्किन है अगर रोज़ यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन ख़राब हो सकती है। बट इसमें इतने ज़्यादा केमिकल्स नहीं होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ फाउंडेशन। तो यस, आप पॉन्ड्स की वाइट ब्यूटी बीबी प्लस क्रीम यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो मेरा शेड है वो 01 ओरिजिनल। नेक्स्ट जो थिंग है वो है न्यूट्रोजिना का डीप क्लीन फोमिंग क्लेंजर। सो इसको आप एज अ फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। इसको लगा करके आपको छोड़ देना होता है, देन अगेन रब करके इसको आपको वॉश कर देना होता है सिंपली 10 से 15 मिनट के बाद। बहुत ही अच्छा मेकअप क्लेंजर है, बहुत ही अच्छा फेस क्लेंजर है, सॉरी मेकअप नहीं, फेस क्लेंजर है। आप कभी भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा फिनिश भी हो चुका है। ये अंडर 300 रुपीज़ था इसलिए मैंने अपने इस वाले कार्ट में ऐड किया इसको। ये आई थिंक 280 और 250 का आपको मिल जाएगा। अभी सेल भी चल रही है अमेज़ॉन पे, तो डेफिनेटली आप लोग ये ले सकते हैं, 100% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जो है वो मैंने कुछ अभी न्यू मैंने बताया कि कुछ न्यू चीज़ें भी मंगाई हैं मैंने, तो वो है इसी में से। ये है स्विस ब्यूटी की HD मैट लिपस्टिक्स। सबसे अच्छी बात ये लिक्विड लिपस्टिक्स नहीं है, ये है क्रेयॉन बेस्ड लिपस्टिक्स। तो फर्स्ट जो मैंने शेड लिया है वो है 01 ग्रीन इन स्कारलेट। बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग में मुझे मिला ये, बिल्कुल हुडा ब्यूटी वाला जो होता है ना बिल्कुल वैसी पैकेजिंग है। प्लस यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक टाइप है जो कि आप बंद करेंगे ना तो आसानी से ये चिपक जाएगा, ये देखें इस तरीके से। सो काफ़ी लग्जीरियस सी पैकिंग मुझे इसकी लगी। ये एक बहुत ही खूबसूरत सा रेड कलर है, इसको मैं काफ़ी बार यूज़ भी कर चुकी हूँ। सो एक बार आपको इसका स्वैच दिखा देती हूँ, ये देखें बहुत ही ब्यूटीफुल सा टमाटो रेड कलर है। अगर 2-3 बार अप्लाई करेंगे तो और ज़्यादा डार्क हो जाएगा। सो या ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। इसी में मैंने एक शेड और लिया था, ये ब्राउन शेड है 19 डार्क ब्राउन शेड। ये बिल्कुल अभी न्यू लॉन्च है स्विस ब्यूटी का, और ये भी अगेन वैसी ही पैकिंग है बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही अच्छा सा कलर है इसका, बिल्कुल डार्क एकदम सेक्सी वाला आप लुक करेंगे ना तो उसके साथ बहुत ही अच्छे से जाने वाला है। थोड़ी देर बाद ये बिल्कुल नॉन ट्रांसफ़र हो जाती है, बिल्कुल ट्रांसफ़र प्रूफ हो जाती है। और अगर आपने इसको एक बार टिश्यू के साथ रब कर दिया ना, मतलब प्रेस कर दिया, उसके बाद में तो ये कभी भी हटने नहीं वाली जब तक आप अपना फेस वॉश नहीं करेंगे। तब रेट में आपको बताना मुझे 299 रुपीज़ गाइज, और
अगर आप Amazon से लेते हैं तो आपको ये 250 या फिर 280 समथिंग की ही पड़ेगी। ओके, यहाँ पे मैंने लिया है इनसाइट का ये मैट लिपस्टिक लॉन्ग वेयर, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इसकी पैकिंग उतनी ज़्यादा लक्जीरियस नहीं है बट इसका कलर काफ़ी ज़्यादा मैच करता है इस वाले शेड से, मतलब थोड़ा लाइट जाएगा बट इस वाले शेड से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। ये आई थिंक 99 या फिर 85 रुपीज़ का है, तो अगर एज अ ड्यूप का हुआ है तो आप ले सकते हैं इसके लिए। ये देखिए थोड़ा सा ग्लॉसी लुक में है, और भी कलर्स हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर का कंपैरिजन चॉइस कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है ये मेबलिन का फिट मी कंसीलर, दिस इज इन द शेड 220 नेचुरल बेज। इसमें और बड़ा भी आता है बट ये वाला आई थिंक 199 रुपीज समथिंग का आता है, जो कि मतलब इस पूरे हॉल में फिट हो रहा था बहुत ही अच्छे से। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऐसा छोटू सी पैकिंग ले सकते हैं इसकी। ऑफकोर्स ये वाले जो फाउंडेशन हैं इनका कोई मैच नहीं है, बहुत ही अच्छे हैं एंड पॉकेट फ्रेंडली फाउंडेशन हैं, तो मेरी स्किन के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा वर्क करता है ये। नेक्स्ट मैंने लिया है मेबलिन फिट मी का ये कॉम्पैक्ट पाउडर, इसमें जो शेड है वो गलत शेड मुझे रिसीव हुआ है, डार्कर शेड है, बट मुझे जो शेड चाहिए था वो मुझे थोड़ा सा लाइट शेड चाहिए। ये देखें इस तरीके का ये शेड है, काफ़ी कैमरे पे तो अभी आई थिंक ठीक दिख रहा है बट बहुत ज़्यादा डार्क है मेरे स्किन टोन के हिसाब से। तो ये अंडर आई थिंक 199 रुपीज़ का मिल जाता है, और नायका पे अभी आई थिंक सेल भी थी तब ये 100 रुपीज़ का मिल रहा था, और अभी अमेजोन पे सेल है तो आप अमेजोन पे भी ले सकते हैं काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर। सो मेबलिन की कॉम्पैक्ट पाउडर्स आर माय लव। नेक्स्ट मैंने लिया है लैक्मे का कॉम्पैक्ट पाउडर अपनी नानी के सजेशन पर, क्योंकि वो हमेशा लैक्मे यूज़ करती थी। सो ये कुछ इस तरीके का है, देखिए ये शेड बहुत ही अच्छे से जाता है मेरे ऊपर। तो इसमें जो शेड है वो है नेचुरल मार्बल, तो ये शेड मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसको मैं काफ़ी यूज़ भी कर चुकी हूँ, शेड की वजह से मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया है गाइज। तो लैक्मे वाला भी आप ले सकते हैं डेफिनेटली, लैक्मे तो मतलब सदाबहार है, कभी भी ले सकते हैं आप। नेक्स्ट मैंने लिया है मेकअप फिक्सर स्विस ब्यूटी का, और ये बहुत ही अफोर्डेबल रेंज का मेकअप फिक्सर है विद एलोवेरा एंड वाइटामिन ई। आई थिंक ये 249 रुपीज़ का है यार, तो 250 रुपये में आपको ये पूरा मेकअप फिक्सर मिल रहा है स्विस ब्यूटी का। नेक्स्ट मैंने लिया है ये ग्लिटर है गाइस, इसके 4 और 5 शेड्स मेरे पास और भी हैं, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने इसके सारे शेड्स मंगा लिए हैं गाइस। सो और ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी है, देखिए बिल्कुल ग्लिटर वाला है, ये लिक्विड ग्लिटर है, यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। इनफैक्ट मैंने अपने इंगेजमेंट वाले मेकअप लुक में भी यूज़ किया हुआ है, सिल्वर शेड है इसका, मेरे पास ब्रॉन्ज शेड भी है, ब्लैक भी है, ग्रीन भी है, गोल्ड शेड भी है मेरे पास इसका, तो डेफिनेटली मैं हाईली सजेस्ट करती हूँ। और जो जो इसको परचेज करेगा मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करना मत भूलिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छे वाले हाइलाइटर्स हैं ये। और नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पर ममाअर्थ की अल्ट्रा लाइट इंडियन सनस्क्रीन, और इस टाइम पे मतलब ह्यूमिडिटी वाला टाइम है ना, इतना गंदा वाला टाइम है, तो सन प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेटली आप लोग के पास सनस्क्रीन होनी ही होनी चाहिए। ये आई थिंक 96 और 100 रुपीज़ का मिलता है, सबसे छोटू वाला पैक है ये, तो ये वाली सनस्क्रीन आप लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट मैंने लिया है मिस क्लेयर का ये आई लैश ग्लू। सो गाइज ग्लू के लिए काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कौन सा ग्लू हम यूज़ करें, तो ये इस तरीके का ब्रश वाला ग्लू है जो कि यूज़ करना इतना ज़्यादा आसान है और इतने अच्छे से स्टिक होंगी ना आपकी आई लैशेज, मतलब पूछो ही मत, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये। मुझे वैशाली ने, वैशाली मित्रा का फैशन डोज एक चैनल है, उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया था जब लास्ट टाइम लॉकडाउन हुआ था, तब मैंने उनसे पूछा था और हम लोगों ने काफ़ी सारे चैलेंजेस भी करे थे सारे यूट्यूबर्स ने मिलकर, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। तो तब से लास्ट ईयर से मैं इस वाले ग्लू को यूज़ कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। उन्होंने ब्लैक कलर का मुझे सजेस्ट किया था बट आउट ऑफ स्टॉक था तो मैंने वाइट ले लिया। नेक्स्ट मैंने लिया है फेसेस कैनेडा का ये मैग्नेटाइज मस्कारा, इनफैक्ट अभी भी मैंने यही वाला लगाया हुआ है। सो मेरी जो आईलैशेज हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, काफ़ी छोटी आईलैशेज हैं, तो मुझे अच्छा वाला मस्कारा हमेशा अप्लाई करना पड़ता है, तो ये वाला हमेशा मैं यूज़ करती हूँ। इसका जो वॉन्ड है ये देखिए कुछ इस तरीके का है, जो कि अपर लैशेज एंड लोअर लैशेज यूज के लिए यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहती है मुझे।
तो या ये आई थिंक मैं लास्ट 6 to 7 months से यूज कर रही हूँ एंड आई लाइक इट. नेक्स्ट मैंने लिया है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर और या लिक्विड कंसीलर. इसमें जो मेरा शेड था वो है 04 मीडियम बेज. वेट मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार. मतलब ये जो कंसीलर है ना ये आपके फाउंडेशन से एक स्किन टोन लोअर रहना चाहिए. अभी मैंने इसको नहीं यूज़ किया, अभी मैंने केवल और केवल बीबी क्रीम यूज़ की है. तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके का है. सो या अच्छा लगा मुझे और ये मुझे मेरे ब्राइडल किट में रिसीव हुआ. यस गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा. पसंद आई हो वीडियो तो इसको लाइक करना ना भूलें. एंड ऑल्सो ये जो चोकर एंड जो मैंने इयर रिंग्स पहने हुए हैं ये भी अमेजोन के हैं. अगर आपने लास्ट वीडियो ना देखा हो तो मैंने उसमें शेयर किया हुआ है, राखी से रिलेटेड वीडियो है वो. सो यस गाइस आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा देख करके. पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स. तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय, खुदा हाफिज़.